पीजी सेकंड स्टेज कट ऑफ एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आरआरबी एनटीपीसी सेकंड स्टेज का रिस्पांस की आ गई है साइट पे, और हम आज इसी का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी की कट ऑफ इस बार कितनी जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ है कमर्शियल अप्रेंटिस की, जिसके अंदर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ गई है वो है, अपर कट ऑफ इज 91.47। सो इसकी सीट्स बहुत कम होती हैं, ये काफ़ी रिस्पेक्टेबल जॉब है, और पिछली बार इसमें ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी में सिर्फ एक ही सीट खाली थी। सो इसकी कट ऑफ बेसिकली ये है कि दो ही सीट होती हैं इसकी, तो इसकी कट ऑफ इतनी काफ़ी हाई जाने की संभावनाएं हैं, और इस बार भी ऐसे ही होगा। जैसे कि देख सकते हैं 74.67 गई है, इस बार भी ये कट ऑफ बढ़ के कम से कम फॉर जनरल कैंडिडेट्स इट विल बी बिकम 96 के अराउंड उसकी कट ऑफ रहेगी। ओके, और ओबीसी में डिपेंड करता है, बस माइनस 5 मार्क्स कर लीजिए ओबीसी ओबीसी में, इसका मतलब है कि अप्रॉक्स 90। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक असिस्टेंट। ट्रैफिक असिस्टेंट की जो कट ऑफ गई थी पिछली बार वो थी 82.76। ओके, सो एंड लोअर कट ऑफ इज 79.62। मींस स्टूडेंट्स, ये जो मार्क्स दिए गए हैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, मतलब अगर किसी एग्ज़ाम किसी शिफ्ट में पेपर का लेवल कम आया और आपका लेवल ज़्यादा आया तो आपके मार्क्स उसी हिसाब से नॉर्मलाइज करके बढ़ा दिए जाते हैं। सो इस बार जो कमर्शियल अप्रेंटिस की है पोजीशन, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैंगी, सो इलाहाबाद रीजन और मुंबई रीजन इन सब जगह पर कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे और स्टूडेंट्स का लेवल भी ज़्यादा है इंटेलिजेंस का। सो इस यहाँ पर प्लस 5 मार्क्स और जोड़ लीजिए कट ऑफ में, बिकॉज इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था, और ऑनलाइन होने की वजह से यहाँ की कट ऑफ भी इंक्रीज़ करेगी। ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है स्टूडेंट्स, और कैटेगरी में आप देख ही सकते हैं 73.29 गई है, और सेवेंटी नाइन के अप्रॉक्स एससी में जाने की संभावनाएँ हैं, और एसटी में कट ऑफ जा सकती है 77, 78 विल बी अ गुड स्कोर फॉर टेक्निकल असिस्टेंट इन एसटी कैटेगरी। ओके, थर्ड पोजीशन इज रिजर्वेशन क्लर्क। इन रिजर्वेशन क्लर्क मार्क्स दे आर वेरी लो पोजीशंस, नंबर ऑफ पोजीशंस आर वेरी लो, दैट्स व्हाई द कट ऑफ इज आल्सो लो। सो फॉर अनरिजर्व कैटेगरी इट वाज 82.76 एंड द लोअर कट ऑफ इज 82.44। सो द लोअर कट ऑफ इज दिस। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा, ये जो मार्क्स हैं ये कैंडिडेट्स के लिए हैं, और ये जो मार्क्स हैं ये है एक्स कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। सो इस बार भी इसके प्लस 5 एंड प्लस 5। ओके, सो कट ऑफ जा सकती है 87 तक, और कैटेगरी के अंदर भी सेम सिनेरियो, 5 मार्क्स, सो कट ऑफ विल बी अराउंड 80 फॉर एससी कैटेगरी।
एंड फॉर एसटी कैटेगरी इट विल बी 76। ओके हाँ गुड कार्ड। सो कैंडिडेट्स गुड कार्ड एक थोड़ी सी हैक्टिक की जॉब है लेकिन इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिनेरियो हम देख सकते हैं कि गुड कार्ड का कम से कम कट ऑफ 6 होगा प्रीवियस ईयर से 6। सो इट विल बी फॉर ओबीसी कैंडिडेट इट विल बी 83 एंड लोअर कट ऑफ विल बी अराउंड 76 एंड फॉर एससी कैंडिडेट इज 72.23 इन प्रीवियस एंड नाउ इट विल बी 78। ओके इट इज़ अपर कट ऑफ मार्क्स सो यू डोंट नो यू नीड नॉट टू बी वरी अबाउट दैट बिकॉज द लोअर कट ऑफ माइट बी 71। ओके नाउ इफ यू टॉक अबाउट एस टी कैटेगरी इन गुड्स कार्ड इट विल बी 75 to 68। ओके इट इज फॉर द एस टी कैटेगरी एंड एज आई टोल्ड यू फॉर अनरिजर्व कैटेगरी इज इट विल बी 88 to 81। ओके नाउ ASM असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। सो स्टूडेंट्स इस बार इसकी काफ़ी जॉब्स हैं इसीलिए इसकी कट ऑफ लोअर जाने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। सो कट ऑफ जो पिछली बार गई थी वो थी 54.236। सो मे बी दिस टाइम विल बी बिकम 59। स्टूडेंट ये 70% मार्क्स कैलकुलेट किए गए हैं इसके लिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप 59 मार्क्स लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 120 मार्क्स को 70% लिया गया। ओके सो फॉर ओबीसी कैटेगरी इट विल बिकम 48 to 54 हाई अपर कट ऑफ एंड द लोअर कट ऑफ वुड बी 51। ओके फॉर एस सी कैंडिडेट इट विल बिकम 51 to 48 एंड फॉर एस टी कैंडिडेट ये होगी 48 to 45। ओके कैंडिडेट्स सो इसी के अकॉर्डिंग हमारी नेक्स्ट स्टेज के सिलेक्शंस होंगे और मैक्सिमम चांसेस है कि कट ऑफ यही रहेगी। सो गुड लक फॉर योर एग्जाम्स और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।